आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। पानसमल थाना क्षेत्र मेन रोड पर अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। पुलिस गश्त के बावजूद चोरों के हौसले बुलंद। पानसमल थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें नकदी सहित कीमती जेवर पर भी हाथ साफ कर दिया। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि घटनास्थल के निकट ही पुलिस गश्त भी थी, लेकिन उसके बाद भी किसी को सुध भी नहीं लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके कुछ समय बाद डॉग स्क्वाड टीम ने निरीक्षण किया। थाना प्रभारी वगेन ने बताया कि वारदात में नकदी और कीमती जेवर चुराए गए। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। उल्लेखनीय है, बीते दिनों भी क्षेत्र से बाइक चोरी की घटना हुई है। नागरिकों ने सुरक्षा बढ़ाने सहित चोरों को शीघ्र पकड़ने की मांग की। पानसमल से सतीश केबट की रिपोर्ट। सर, मुख्य मार्ग पर एक चोरी की वारदात हुई एक दुकान में। सर, रात को कस्बा पानसमल में करीब ये गांधी चौक के पास में संजय अग्रवाल जी का मकान है, गांधी चौक के पास में है ये। करीब 1.5-2 महीने संजय अग्रवाल जी अपना इलाज कराने के लिए गुजरात बाहर गए हुए थे और रात में इनके घर में चोरी हो गई थी। करीब 3 अज्ञात चोर आए मोटरसाइकिल लेकर, घर का दरवाज़ा ताला तोड़ा और अंदर घुस के कमरे में से नकदी 2 लाख रुपये और 2 सोने की रिंग और 10 चांदी के सिक्के चुरा कर ले गए। रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, रात्रि में पुलिस गश्त भी थी, उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना? रात्रि में पुलिस गश्त पे थी, उसी पॉइंट पे पुलिस थी, लेकिन पुलिस थोड़ा सा आगे पीछे और गलियों में घूम रहे थे, उसी दौरान ये अंदर घर में घुस गए थे और पुलिस को देख के फिर बाइक वाला भागा भी था और सामने से 20 मिनट बाद फिर निकल के चले गए वो। कितने समय के लिए अंदर थे सर? ये करीब 18 से 20 मिनट अंदर रहे ये। सर, उसका सीसीटीवी फुटेज भी देखा है, वहाँ पर ताला तोड़ा गया, लेकिन सर उसको कैसे तलाश कर पाएंगे? सीसीटीवी फुटेज निकाला है उसमें और उनसे लिया भी है, उसे मालिक से पता करेंगे उसमें, और वो मोबाइल का डाटा निकाल के भी आरोपियों को शीघ्र पता लगाएंगे। सर, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची थी? हाँ, डॉग स्क्वाड की टीम भी आई थी और फिंगरप्रिंट भी कराए गए और पीएसटीएन डाटा भी लिया गया है। जल्द से जल्द इस चोरी का खुलासा करें।